लोग जब अस्सी हजार के टूर्नामेंट से कमेंट करते तो एक ही एलईडी मैन द सीरीज के लिए होती है, पर यहाँ पे चार एलईडी वो भी 21 इंच का होता है ग्रामीण में, पर यहाँ पर डब्ल्यूपीएल के लिए यानी करीब 43 इंच की एलईडी है। अब बिल्कुल 42 इंच का आपने सही बताया, यहाँ पर चार एलईडी, कौन बनेगा इस एलईडी की रेस पर? प्रल्हाद कुमार या ठिकाणी आले, माजी शाखा प्रमुख कलंबोली, त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी याचा आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे। मी कृष्णा पवार आमचे डब्ल्यूबीएल चे उपाध्यक्ष यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे। महेश पोकरकर चावी माग कोणाकडे, महेश पोकरकर यांचाही सत्कार या ठिकाणी होत आहे सन्मान चिन्ह देऊन। संजय डावरुंग ठीक आहे, तो गुच्छ दे गुच्छ घे। तो चलिए मुकाबला शुरू कीजिए, पंकज पाटिल का भी शुक्रगुजार करना चाहेंगे प्रवीण जिन्होंने हमें हर माजी चाबी कोना कडे गाडी जी डब्ल्यूपीएल पर आमंत्रण देते हुए। ए भूमिका आहे बघ, ए बलचा तीन चार बॉटल आणि बिल्कुल संजय दावरकर यांनी याच आहे, संजय दावरकर यांचाही सन्मान या ठिकाणी होत आहे। बिल्कुल यहाँ पर मैन ऑफ द मैच नहीं और ये स्कोरिंग भी नहीं जाएगा, इसलिए हमारे नोटबुक भी अलग लिया गया। बिल्कुल स्कोर और देखिए कांचन पलकर, इसलिए मैं कहता हूँ ओजनदार के साथ हैं समझदार। मोरे बिल्कुल बाबूशा प्रोफेशनल स्कोरर है, बड़े प्रतियोगिता है और प्रोफेशनल स्कोरर हमेशा पूरा सत्कार या ठिकाणी होता है, त्यांना विनंती करते सत्कार स्वीकार करावा। नमस्कार, हो माझा फोन आणून घ्या। बिलकुल और बिल्कुल काफी सारे मेहमान आ चुके हैं मैच कारण लेते हुए, सभी की खाने पीने की व्यवस्था डब्ल्यूपीएल में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अंपायर सिग्नल आना चाहिए अमित करंदीकर, तो बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला शुरू कीजिए। दो ओवर का मुकाबला होगा, बहुत ही मजा आएगा इस मुकाबले में और मैच बिटवीन द टीम खेला जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे ये मुकाबला भूमिका इलेवन बनाम बिल्कुल ओमसा इलेवन यानी भूमिका इलेवन के बीच में मुकाबला, और यहाँ पर ओमसाई टीम का पर बात करेंगे बल्लेबाज जी और धनंजय दाड़कर जो टीम के कप्तान, और उस टीम के पेकर की बात करेंगे तो तुलसीराम मुकादम जो एक तरफ पेकर है और दूसरी तरफ गणेश सेगा गुलशन पाटिल। तो बिल्कुल मुकाबला अब शुरू होगा और प्रकाश पाटिल बिल्कुल उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, पिछले साल भी थी और इस साल जरूर उनका हार्ड लक अच्छे होने चाहिए और देखने की इस डब्ल्यूपीएल का चैंपियन कौन बनता है ये सातवां साल। बिल्कुल प्रवीण देखिए हमारे गणेश सर हमारे मौजूद बैठे हैं, एक मिनट मैं आता सत्कार समारंभ कडे पुन्हा एकदा वळतोय। आमचे नामदोषत पडके या ठिकाणी आलेत, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मी कृष्णा पवार आमचे उपाध्यक्ष यांना विनंती करतो, सन्मान करायचा आहे, सन्मान चिन्ह आणि फुलगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे। ए लाईव लाईव ए एक एक मिनिट एक मिनिट त्याबरोबर बबन फडके उपविभाग प्रमुख शिवसेना यांचाही या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। मी कृष्णा पवारला विनंती करतो की त्यांचा फुलगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे। सुद्धा फडके या ठिकाणी आले, त्यांचाही या ठिकाणी सुदाम फडके या ठिकाणी त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी होणार आहे। गजानन पाटील या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचाही सन्मान आमच्या सिमरन स्पोर्ट्स ग्रुपच्या वतीने होणार आहे। मी डब्ल्यूपीएलच्या अध्यक्ष या नात्याने सर्वांचं स्वागत करतो। नरेंद्र भूपी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचाही या ठिकाणी सत्कार होणार आहे। अनिल कोडे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी होणार आहे। दत्ता भूपीचा होणार आहे, दत्ता भोपी या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचाही या ठिकाणी सन्मान होणार आहे। त्याचबरोबर सुधीर फडके याही उपस्थित, त्यांचाही सन्मान होणार आहे।
जिथे कैमेरा 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 साडू हो साडू सुधीर फडके बसून घ्या बाकी कोणाचं राहिलंय हा हा काल बोललेत ना जरा सर्वात झाला थोडं थोडं जेवायला जाऊ आपण आता ना थोडं थोडं जेव मस्त डाल मटण आहे आपला डाल मटण असं सोडायचं नसतं मी त्या ऑडियन्सकडे पण जात आहो ना कार्यक्रम चालू आहे हेलो धन्यवाद प्रवीण बात करेंगे जो हिंदुस्तान का परंपरा जो महाराष्ट्र के रीति रिवाज और आज मकर संक्रांति के दिन सभी दर्शकों को फिर से एक बार मकर संक्रांति का शुभेच्छा लेकिन मैदान के अंदर देखिए पर काफी कुछ हुआ लेकिन गेंद आखिरकार सीमा रेखा बाहर 4 रन बिल्कुल 6 रन प्रवीण देख गाड़ी टाका ना 6 रन बिल्कुल 2 रन दौड़ के लिए और 54 यानी टोटल 6 मिले पिछले गेंद में छक्का गया था भविष्य 12 रन आया अभी तक टोटल 13 स्कोर कार्ड लगे पहले गेंद पर लेग बाय 2-3 गेंद 13 रन तेजस या ठिकाणी आमचे जी या ठिकाणी आलेत आमचे सोरे यांना विनंती करतो व्यासपीठावर बसून घ्यायचे 3 गेंद 13 तेजस मुकादम फिर से एक बार ओ ये देखिए देखिए बिल्कुल नरेंद्र भोपी साहब आपका स्वागत है जितने भी मान्यवर यहाँ पर सभी मान्यवर का शुक्रगुजार जिन्होंने डब्ल्यू पी एल पर प्रवीण देखिए यहाँ पर मेहमान नवाज है और कितने तादाद से मेहमान इस मंच के पर लेकिन टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत हम कहना चाहेंगे कुछ गलतियों से यहाँ पर टोटल की बात करेंगे 14 रन मैंडेटरी पावर प्ले और बाबूशा इस ओवर में ज्यादा रन होने चाहिए बनाते हुए ओ यॉर्कर गेंद थी तेजस मुकादम खुद गेंद पे दौड़ चुके अच्छी फील्डिंग की और ये मौका था स्टंपिंग का रन आउट का से 1 रन मिले बाबूशा बिल्कुल यहाँ पर प्रवीण बात करेंगे तेजस मुकादम यंग है युवा बिल्कुल काफी मेहनत कहीं इस मैदान के ऊपर देखिए मेहनत के ऊपर उनके टीम है शायद अभी तक पूरी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन तक तो बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करना पड़ रहा है तेजस मुकादम फिर से एक बार होंगे तैयार और बल्लेबाजी की बात करेंगे तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं सुधीर जिनके बल्ले से अभी तक देखा जाए तो कोई कमाल नहीं लेकिन प्रतीक की बात करेंगे ओवर थ्रो से उन्हें 6 रन मिला और यहां पर गेंद को उठाकर खेला हवा में गया फील्डर तैनात और वहां पर फिर से देखिए एक बार खराब फील्डिंग और जिसका फायदा यहां पर से मिलता हुआ 2 ओवर का मुकाबला है प्रवीण बात करेंगे तो इस 2 ओवर पर अगर 25-30 रन भी बना लेते तो फिर दिक्कत बनेगा निश्चित रूप से बिल्कुल बाबूशाह आपके पास गेंद कम है यानी कि आपको हर गेंद को सीमा रेखा बाहर भेजने ऐसा कुछ आपको करना होगा बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे 2 ओवर में 30 रन तो बहुत जरूरी होंगे क्योंकि पहले ओवर के अभी तक समाप्त नहीं और कंचन पालकर बता रहे कि 17 रन लगे यानी बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई अभी तक और बिल्कुल सही बताया यहाँ पर टोटल की बात देखिए टोटल 17 रन और यहाँ पर देखिए खूबसूरत गेंद जिसमें सफलता मिला देर से मिला हम ये नहीं कहेंगे दुरुस्त मिला क्योंकि काफी रन खर्च हो चुका है और बिल्कुल प्रदीप सोरमेकर इनकी टीम यहाँ पर खेल रहे जो बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर सामने देखा शायद वो भी बल्लेबाजी करेंगे 2 ओवर के मैच में फिलहाल यहाँ पर पहली ओवर की तो समाप्ति हो चुकी है 17 का खतरा 17 रनों पे ये पहला विकेट गिरता हुआ बिल्कुल
सही बता यहाँ पर प्रवीण, लेकिन इस टूर्नामेंट के देखिए यहाँ पर खासियत पूरी तरफ से मंडप की सजावट है, और हमने देखिए यहाँ पर काफी खिलाड़ी जिनके साथ उनके बच्चे भी यहाँ पर पूरी तरह से जुड़े रहे, तीन दिन आनंद लिए इस क्रिकेट का यानी इस WPL का, बिल्कुल से ये खास है कहीं ना कहीं परेश भाई पाटिल सबका। बिल्कुल बच्चों के नाम से भी टीम यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे की भूमिका 11 टीम हमें देखने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अपने टीम को सपोर्ट करने आए वो भी। बिल्कुल जो इंटरनेशनल में हम देखते हैं बिल्कुल बच्चों को क्रिकेट की दुनिया पर लेकर जाते हैं कप्तान, जैसे MS देखिए, AB डिविलियर्स देखिए, उसी तरह के यहाँ पर भी काफी बच्चे देखने को मिले, जो पिताजी का यहाँ पर खेल प्रदर्शन, जैसे चाचा हो पिताजी हो उनका प्रदर्शन देखने का उन्हें भी मौका मिला। बाबू शाह आज 40+ का मुकाबला देखने बहुत मजा है, जो हरिचंद्र सांगड़े की बैटिंग देखी, 5 छक्के लगाए, क्रिस गेल की तरह उन्होंने बैटिंग की। बिल्कुल शायद पुराने कप्तान है, इसलिए कहते ना शेर चाहे जितना भूखा हो कभी घास नहीं खाता, और उन्होंने आज साबित कर दिया, और शेर का शिकार करने का तरीका भी अलग होता है, वो भी उन्होंने साबित किया। बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर एक यादगार लम्हा लेकिन प्राप्त डिजिटल लाइव है, जिनके माध्यम से प्रवीण कल एक अच्छा अंदाज था आपने देखा नहीं, गणेश शिवराज जिन्होंने संकेत को आउट करने के बाद यूट्यूब के माध्यम से आपने देखा होगा ये मैदान पर पूरा धूल उकार दी थी, ऐसा लग रहा था बैल की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल वो तो वायरल हुआ वीडियो, हमने जब देखा इतने खुश थे, वो लगातार गिर रहे थे। ओ ये देखिए बैट कट, बहुत ही बड़ी नजाकत थी, बहुत ही बढ़िया, और ये गेंद तो रुक चुकी वहां पर, फील्डर को मौका मिला गेंद को उठाने का, पर तब तक मौका मिला 2 रन यहां से चुराने का, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और ट्राई करे नाश्ता के बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ने वाले थे, उनकी शक्ल से ऐसे लग रहा था बाबूशा। बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करके काफी समय के बाद बाउंड्री नहीं आ रही, स्ट्राइक बल्लेबाज है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है प्रतीक, टोटल की बात करके टोटल देखिए यहाँ पर 19 रन है, 19 रन, प्रतीक को बिल्कुल डर हटा देना चाहिए, और प्रवीण कहते हैं ना नजरे मिला के गेंद से खेलते रहो, मम्मी डैडी घर पे हैं बिंदा चौके छक्के लगाते रहो, तो बिल्कुल अक्सर मम्मी डैडी का भी डर रहता है, पर यहाँ पर डैडी भी आ चुके खेलने के लिए, तो डरने की जरूरत नहीं, आप भी खेलिए। सही बात है, 40+ के उम्र के जब खिलाड़ी मैदान के ऊपर होते हैं तो निश्चित रूप से उनके सुपुत्र बिल्कुल जो ग्रामीण क्रिकेट में देखिए या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम देखा करते हैं, जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर की देखिए सुपुत्र इस बार IPL में भी शायद देखने को मिल सकते हैं, और देखिए यहाँ पर कमाल की टाइमिंग, यहाँ पर गेंद दंदनाते सनसनाते यानी एक्स्ट्रा ओवर को चीरता हुआ 4 रनों के लिए। बिल्कुल बाबूशा वामजा गांव की तारीफ करेंगे, बहुत ही अच्छे WPL से, और वामजा गांव में हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता क्या होती है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है वामजा गांव। बिल्कुल आपने सही बताया, वही एकत्र की ताकत है ये, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल परेश भाई के साथ मैं जैसे हाथों पे हाथ कंधों पे कंधों मिलाकर इस WPL को पूरी बेहतर अंजाम, बिल्कुल जब प्रेजेंटेशन के समय आएगा बिल्कुल उस समय माहौल देखिए आप, क्योंकि शुरुआत दिन में हमने देखा था यहाँ पर माहौल आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, और देखिए यहाँ पर प्रतीक मैदान के अंदर आग उगलते हुए, और उनके बल्ले से इस बार निकला दूसरा WPL चौका, चौका। और प्रतीक बैट से बिल्कुल 2 चौके निकले यहाँ पर, और बाबूशाह ने कहा कि प्रतीक के बल्ले से यहाँ पर बड़े स्टॉक ने आ तो उन्होंने करके दिखाया, 2 छक्के लगाए और उसके बाद 2 छक्के भी लगाए, शानदार बल्लेबाजी, टीम का स्कोर हुआ यहाँ से टोटल 27-27, 3 बॉल टू लेफ्ट। और बिल्कुल देखिए बिलास पटेल बड़े खुश हैं, बाहुबली बन चुके हैं क्योंकि पहला दिन संकेत नहीं थे लेकिन उस टीम को जीत दिलाए थे बिल्कुल परेश भाई के भाई हैं बिल्कुल बंधु, और कमाल के उनके बल्लेबाजी पहला दिन प्रवीण देखने को मिला था यहाँ पर, लेकिन मैदान के अंदर देखिए व्हाइट का इजाफा, अमित इस बार अंपायर की भूमिका निभा रहेगा, वहां जी टीम के लिए बड़े बेहतर बल्लेबाज हैं जिनका नाम कहीं पहचान है, एक सलामी बल्लेबाज का आक्रामक बल्लेबाज है, और परेश भाई के पिताजी की बात करेंगे पाटिल साहब, देखिए 3 दिनों से वो जगह से बिल्कुल हटे नहीं है, जो लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर उनकी जगह बनी है बिल्कुल 28 रन, ट्राई टू बैक इट, और देखिए बैट कट की अपील की थी विकेट कीपर ने, और ये रन आउट जरूर मिलेगा, तो यहाँ से विकेट आया 28 रनों पर, यानी प्रतीक होंगे बैक टू द पवेलियन। बाबूशाह आपने बहुत अच्छी तारीफ की RD पाटिल साहब की, क्योंकि RD पाटिल साहब लगातार तीसरा दिन है यहाँ पर, सभी मेहमान के मेहमान नवाजी कर रहे, पूरे मैदान पर ध्यान रख रहे कि पूरे जो व्यवस्थापन है मैनेजमेंट वो ठीक है कि नहीं, वो पूरा चेक कर रहे। बिल्कुल उन्होंने कहीं ना कहीं मेन गेट का ऐसा इरादा बताया कि इस मेन जगह पर बैठे रहे जहाँ भी यहाँ मेहमान आकर रुकते हैं, बिल्कुल उन मेहमानों को आगे भेजने का पूरी काम लिया, RD पाटिल साहब बिल्कुल आपका टूर्नामेंट के माध्यम से यानी WPL के माध्यम से।
तो यहाँ से देखा जाए तो अभी तक दो गेंदे शेष हो गई, टीम का स्कोर वो 28 रन और यहाँ पर टीम का स्कोर 28 दो विकेटों के नुकसान पर, और प्रतीक के लिए यहाँ पर तालियां बजती है क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग प्रतीक ने इस मैदान पे। बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी करना चाहिए क्योंकि आखिरी समय पानी आ चुका है। बिल्कुल गुजारिश करेंगे पानी वाले को सबसे पहले कमेंट्री डिपार्टमेंट पर लाइए भाई दो चार पानी। बिल्कुल यहाँ पर कंचन पालकर बहुत जल्दी खा लगा चुके थे और पानी की तलब उनको लगी थी, और यहाँ पर अंपायर की उंगली आसमान में विकेट आया और विकेट नंबर 3। तो बिल्कुल बहुत अच्छी धुन थी, 2019 का वर्ल्ड कप बहुत ही जल्दी शुरू होगा बाबूशा, और एक साल बाद आप 50-50 विश्व कप देख पाओगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पर धोनी की जुल्फे दिखते हुए, कल जैसे हमने देखा था रायगढ़ पब्लिक स्कूल पर सलमान की हमशक्ल आए थे, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर धोनी की हमशक्ल है। और बाबूशा हमें पिंटू पारसा भी देखने मिलता है इस वामजा गांव में, आपने देखा होगा पिंटू पारसा की तरह जुल्फे उनकी, जरूर हम तारीफ करेंगे बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद लास्ट बॉल टू गो, इसके बाद जरूर सेकेंड इनिंग को शुरुआत होगी और टारगेट अभी तक है 29। आखिरी गेंद कितना टारगेट होगा देखना बहुत ही मजेदार होगा। बिल्कुल बिल्कुल गणेश सिंह जो कोच है बिल्कुल निराश होंगे इस प्रदर्शन से क्योंकि काफी रन खर्च कर चुके हैं, यहाँ पर 29 रन खर्च कर चुके हैं, लेकिन अगर अंतिम गेंद के ऊपर एक आध डॉट गेंद होता है तो फिर भी 30 रनों का टारगेट एक इतना बड़ा इतना छोटा नहीं। अजय भुईर देखिए हार के बावजूद भी बड़े खुश हैं क्योंकि हैं उसी अंदाज के, जितने का एहसास उनके चेहरे पे लग रहा है जो स्माइल दिए उन्होंने, और बिल्कुल अब शर्ट पहन के आ चुके हैं अजय भुईर, बेहतरीन कमेंटेटर, स्वागत है आपका जय भुईर। हेलो बिल्कुल बात करेंगे तो अजय या प्रवीण आप बॉलीवुड का जॉनी लवर देखिए हमेशा हंसी मजाक, तो उसी तरह के अजय भुईर के पास जब माइक्रोफोन होती है हमेशा हंसी मजाक देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी 29 यानी अंतिम गेंद तो यहाँ पर आखिरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक पर बल्लेबाज हो गया प्रदीप चोरबेकर यानी कुंडी मत खटखटाना सरनाटा है जमाना, और हो सके तो डायरेक्ट छक्का लगाना फिर टोटल यहाँ पर बड़ा टोटल बन जाएगा 35 रन। और बिल्कुल जिनके जुबान से धारदार शब्द निकलते हैं अब उनके बल्ले से धारदार छक्का लगना चाहिए बाबूशा। बिल्कुल और यहाँ पर देखिए खेलना चाहते थे कहीं लेकिन यहाँ पर लेग बिफर आउट होकर प्रदीप चोरबेकर का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, और ये विकेट से बड़े खुश होंगे यहाँ पर गेंदबाज, गेंदबाजी की बात करेंगे जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम अशफाक थे गेंदबाज, और तेजस पहला ओवर पर 17 रन खर्च किए, और अशफाक की बात करेंगे तो इस ओवर पर 12 रन खर्च किए, कमाल की गेंदबाजी, यहाँ पर जीत के लिए 30 रनों का जरूरत है। बाबूशा थोडंसं वेळ घेतो तुमचं, याच दरम्यान राजन जी मडवी साहेब उसाटणे यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया, तसेच रघुनाथ म्हात्रे नावडे यांचं सुद्धा आपण सहर्ष स्वागत करूया, तर याच दरम्यान आमचे माझे मरम मित्र धनंजी पाटील आंतरने गावाचे आहेत, ते बजरंग दलचे अध्यक्ष कल्याण ग्रामीण धनंजी पाटील यांचं इथं आगमन झालेलं, तर WPLच्या आयोजकामध्ये परेश भाई यांचं हार्दिक स्वागत तुमचं, तसेच गणेश खुटारकर त्यांचं सुद्धा इथं आगमन नावडा, तर यायचं आहे धनंजी पाटील आपण। तो बिल्कुल 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत होगी यहाँ पर इस मुकाबले में, यानी 2 ओवर 30 रन नक्की अपन सत्कार कराए राजन मडवी साहेब उसाटणे यांचा सत्कार करते गुरुनाथ पाटील आमचे, तसे धनंजी पाटील याचं आगमन झाले, तसेच आपण पाहतोय आम्ही वाराणसीचे आमचे लाला सेठ यांचं सुद्धा आगमन, पप्पू याचं सुद्धा आगमन, संतोष भारद्वाज यांचं सुद्धा आगमन, तसेच पोटोबा हॉटेलचे मालक यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेलं आहे, अभय यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेलं आहे, नक्कीच यायचं आहे अभय। तर आपण दुसरा याच्याकडे बोलूया, आपण रघुनाथ म्हात्रे नावडे यांचा सुद्धा आपण सन्मान करायचा आहे, रघुनाथ म्हात्रे नावडे यायचं आहे आपण। बिल्कुल प्रवीण देखिए यहाँ पर कोच कप्तान के बीच में कितनी बातचीत, गणेश शेख देखिए 3 दिनों से यहाँ पर जो उनका मेहनत अतिथि कक्षा मध्य बसले पांडुर धर्मा पाटिल माजी सरपंच वावनजे यांचा सुद्धा आपण सन्मान, बिल्कुल बाला सनी पाटील यांनी सुद्धा इथे यायच्या स्टेजवर सनी पाटील, तर आपण सत्कार संपर्क वळूया, चलो जल्दबाजी कीजिए मुकाबला के लिए क्योंकि आज काफी मुकाबला खेला जाना है, क्योंकि रघुनाथ पाटील इसके बाद भी गणेश खुटार गणेश खुटार चिटणीस यांनी सुद्धा इथे सर चिटणीस यांनी सुद्धा यायचं आहे,
प्रदीप चोरमेकर जल्दबाजी कीजिए और तेजस मुकदम आपके दो बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश कीजिए, क्योंकि दो ओवर के मुकाबले में अगर आप इतना समय लगा दे तो अजय भोईर निश्चित रूप से मुश्किल होगा। देखिए हमारे मान्यवर खूबसूरत चेहरा खूबसूरत इंसान इस मैच के ऊपर तस्वीर रखते हुए अजय भोईर, ये डब्ल्यू पी एल का प्यार है, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्ती रिश्ता वादा कोई क्रिकेट फुटबॉल का खेल नहीं जिंदगी का खेल है। नक्कीच अपन पाहू शकाल अपन परेश भाई कितनी प्रेम है अपन पाहू शकाल अपन स्टेज वर मान्यवर जितके बसले नक्कीच परेश भाई प्रेम मोठे आलेले आहेत। अपन बघा सनी पाटील चेंबूर चे आमचे दोस्त तेच त्यांचे सुद्धा एक अपंग झालेले आहे। तर आपण सामना तरी चालू करायचा कारण आपल्याला अजून सेमीफायनल दोन सेमीफायनल एक फायनल खेळवायचे आहे। नक्कीच बाबूशा मी कुठे माझी मॅच हारली मी नाराज नाही कारण डब्ल्यू पी एल इतकं मोठं आयोजन आहे, आम्ही 365 दिवस खेळाची वाट बघतो। नक्की बाबूजे गावची जत्रा आपण जर पाहू शकाल पंकज पाटील काफी देर लग रहा है बाबा तेजस मुखातब गणेश का आपकी टीम काफी देर से बल्लेबाजी के लिए उतर रहे हैं, ध्यान रखना होगा आपको इतना समय लग रहा है दो बल्लेबाज को उतारने के लिए। गणेश शेख साहब काफी सोच रहे हैं, इतना भी मत सोचिए वजन कम हो जाएगा फिर आपका, तीन दिन में कम से कम तो 2 किलो वजन कम हो चुका होगा। लेकिन अच्छी कोचिंग तारीफ करना चाहूंगा संजय बांगर का भूमिका निभाए, बाला शेख थोड़ी सी निराश हैं लेकिन फिर भी खुश हैं क्योंकि उनकी टीम यहाँ पर प्रदर्शन नहीं दे पाई पूरी तरह से। सतीश पाटिल पहले दिन का प्रसाद आएंगे सतीश पाटिल कुछ समय में जुड़ेंगे प्रवीण मेकर बाबू शेख गणेश सोच रहे थे कई महीने उतरने जाओ अंदर कोच है बाबूशा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या डिसीजन लेना है कौन उतरेगा। तो 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत है, चलिए प्रदीप चोरमेकर एंड कंपनी यहाँ पर जल्दबाजी करनी होगी आपको। बिल्कुल हमारे उसाट ने के रवि हजारी साहब स्वागत आपको इस टूर्नामेंट के माध्यम से। तो वीआईपी डाइस पे जितने भी मेहमान आए उन सभी का स्वागत। चलिए अंपायर वार्निंग दीजिए फटाफट ये मुकाबला शुरू कीजिए, 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत है और बिल्कुल हमें ऑर्गेनाइजर कॉल कर रहे हैं क्योंकि आगे और मुकाबले बैलेंस है आज मेगा फाइनल बड़े बड़े मेहमान आएंगे और उनका स्वागत करना इसमें शायद थोड़ा सा वक्त हमें लेना पड़ेगा तो जरूर जल्दबाजी करनी होगी। तो बिल्कुल मैदान के ऊपर यहाँ पर तेजस मुकाद हमारे उनका साथ लिभाने के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर मैदान के ऊपर उतर चुके हैं महेंद्र जिन्होंने यहाँ पर गेंदबाजी में जो पिछली मैच में मैन ऑफ मैच थे लेकिन इस बार क्या सही अंजाम दे पाएंगे। बिल्कुल सा बात करेंगे दोस्तों ये मुकाबला ओमसा इलेवन यानी भूमिका इलेवन के बीच में मुकाबला क्या यहाँ पर भूमिका इलेवन टीम जो पिछली मैच मुकाबला जीतने के बाद जो ये मौका मिला उन्हें खेलने के फिर से एक बार दूसरा मरतबा मयूर मात्रे इसके बाद इंतजार मयूर मात्रे क्योंकि यहाँ से जो टीम मुकाबला खेलेगा सीधा मयूर मात्रे यानी उनकी टीम के साथ यहाँ पर मुकाबला खेलेगा और यहाँ से जो टीम मुकाबला हारेगा इस डब्ल्यू पी एल से बाहर हो जाएगा। तो देखना कि किस टीम का फ्लैग यहाँ पर यानी कि हवा में लहराएगा जो फ्लैग देख रहे हैं हम सभी 10 टीमों का फ्लैग। दरम्यान आमचे आयोजक परेश भाई पाटील यांचं सुसह्य गाणं गायलं आमचं राजेश आदेकर गोड आवाज आपण बघते राजेश आदेकर यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। नक्कीच राजेश आदेकर अजून एक गाणे गायलेलं आहे ना सिंगाला मासा दर्याला काय असं काहीतरी आहे। नक्कीच राजेश आदेकर यांचं आपण आगमन करूया आणि राजेश आदेकरचं स्वागत केलं षटकाराने। ओय गणपत गाणं कधी बंद केला वाजव तू म्हणणं माहीत केली नव्हती नक्कीच। याच दरम्यान आमचे गोड आवाज विष्णुपद आडावकर आमचे गावची शान विष्णुपद आडावकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेले कलाकार धन्यवाद विष्णुपद साहेब। अब बिल्कुल अजय भोईर हमने कल राजेश आदेकर साहब का 2 दिन से तारीफ कर रहे थे जब भी ये संगीत सुन रहे थे बड़े खूबसूरत अंदाज से बताए हैं। बिल्कुल सुबह से आपको डब्ल्यू पी एल के माध्यम से प्रवीण चर्चा करेंगे बिल्कुल उस बारे में लेकिन मैदान के अंदर जाना चाहेंगे क्योंकि ये मुकाबला भी दोनों टीम के लिए करो मरो मुकाबला जिसे डू और डाई का रेट रहता है। हमेशा आप देखिए प्रो कबड्डी पर 3 रेट जो 2 रेट जाने के बाद जो 3रा रेट रहता है वो डू डाई का रहता है। बिल्कुल बाबू शक करो या मरो यानी कि एक गलती आप मैदान से बाहर एक छोटी छोटी गलती आपको इस मुकाबले से बाहर कर सकती है यानी कि आपको फूक फूक के कदम रखने होंगे इस मैच में। इसी बीच हमारे माननीय पर यशवंत पावर साहब तस्वीर रखते हुए और ये देखिए गेंद को हिट किया स्टेट डाइव कार्पेट के सारे अच्छी फील्डिंग थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई थी उसका फायदा उठाया और देखिए तेजस ने यहाँ पर 2 रन यहाँ से कंप्लीट किए। बिल्कुल तेजस मुकादम बता रहे हैं भाई जीत मिल सके भूमिका इलेवन टीम को मैं अपना घर भी जला दूंगा यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा।
क्या बात है बाबू साहब, बिल्कुल करो या मरो, यानी कि आपको ये मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने होगा। बिल्कुल, देखिए भूमिका भी बड़ी खुश है क्योंकि उनके नाम से टीम है। और प्रवीण यहाँ पर तेजस ने कहीं ना कहीं मेहनत दिखाई है बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर एक रन मुकम्मल किए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, यहाँ पर देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल। और मैंने यही बताया कि डू और डाई का गेंद हाथ पर नहीं था, गेंद अगर धनंजय दाभोलकर के हाथ पर होता तो मुश्किल हालत बन सकता था, शायद यहाँ पर तेजस मुकदम को पेवलियन का रास्ता देख सकता था। लेकिन एक तरफ से उनके लिए दुआ भी काफी जोर से, बिल्कुल बाबू साहब ताली से स्वागत हो रहा है डग आउट में, काफी दुआएं मिल रही है उनको जिस तरह से वो रनअप ले रहे हैं, यानी कि उनके सभी खिलाड़ी डग आउट से खड़े हो रहे हैं कि ये रन पूरा हो जाए। बिल्कुल, परेश भाई के लाडली यानी सुपुत्र जो कि हम देख रहे हैं भूमिका, जिनके नाम से ये टीम है भूमिका इलेवन, और उनके देखिए खास मित्र भी यहाँ पर बैठकर पूरी तरह से इस मैच के आनंद ले रहे हैं। और मयूर मात्रे बिल्कुल सिकंजा कस चुके होंगे, इसके बाद जो टीम यहाँ पर मुकाबला जीत कर आएगा उनके साथ होगा जो वो होगा आज का दिन का अंतिम सुपर फोर के लिए जाने वाला टीम। लेकिन यहाँ पर देखिए कसमा कस प्रवीण गेंदबाज चाहते हैं, हर गेंद डॉट निकले, बल्लेबाज चाहते हैं हर गेंद के ऊपर चौका छक्का लगे। बिल्कुल बाबूशा, गेंदबाज तो डॉट और विकेट के पीछे दौड़ेंगे, पर बल्लेबाज जरूर चाहेंगे कि एक दो छह चार इस समीकरण में अच्छे बल्लेबाजी करे तो बेहतर मुकाबला है। बिल्कुल ये मुकाबला जब आखिरी गेंद तक पहुंचेगा तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी तक तो 5 गेंद हो चुकी है और टीम का स्कोर हो चुका है 11 रन। बिल्कुल 11 रन अभी तक, और देखिए पहले गेंद के ऊपर छक्का और उसके बाद गजब की वापसी और कप्तान गेंदबाजी करते हुए, यानी यहाँ पर देखिए कप्तान तो कप्तान, दोनों कप्तान अपने टीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरूर बाबूशा, दोनों टीम सेनापति, दोनों टीम के आमने सामने, तो कप्तानी पारी कौन खेलेगा इस आखिरी गेंद पर, क्या कितने नंबर होंगे इस आखिरी गेंद पे। पंकज पाटिल भी आखिरी उम्मीद चिराग उनका भी इंतजार कर रहा है, पंकज पाटिल मयूर मात्रे जिनका टीम इंतजार कर रहा है इस मुकाबला के बाद। और तेजस मुकदम गेंद को उठाकर खेला, हवा में गेंद, कोई फील्डर नहीं, कहते ना किस्मत मेहरबान तो बल्लेबाज पलवान, बिल्कुल यहाँ पर किस्मत का साथ और बल्लेबाज को 2 रन मिला। तीसरे के लिए मेरे हिसाब से कोशिश करना चाहिए क्योंकि हमारे महागुरु साहब हमेशा कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो उसी तरह के यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल 13 रन, यानी प्रवीण बात करेंगे तो अभी भी जीत के लिए यहाँ पर 17 रनों का जरूरत है। हरद गाजतई गो होरी चे बंगला ना बंगला बांदीला करला चे कावल। प्रवीण क्या कहना चाहोगे, अपना टोटल 13 रन बन चुके हैं तो जीत के लिए अभी भी 17 रनों का जरूरत है आना 6 गेंद के ऊपर, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर धनंजय का तारीफ करना चाहेंगे, कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर देखिए 6 रन और उसके बाद जिस तरह की वापसी। बिल्कुल बाबू शाह 29 रन बने थे, 30 रनों का टारगेट था, 13 बने यानी कि 6 गेंद 17, तो किस पे होगा खतरा, यानी कि जिस टीम पे होगा खतरा वो टीम होगी बाहर और एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी वो टीम होगी अंदर, तो कौन गेंदबाज करेगा 6 गेंद को, कौन डिलीवर करेगा और अपने टीम को जीत लाएगा, ये संकट पहुंचे गेंदबाजी बाबू शाह। और देखिये प्रदीप चोरमेकर के हाथों पर होगा गेंद, यानी तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे और यहाँ से गेंदबाज भी विकेट लेने की दुआ मांगेंगे, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना महेंद्र, क्योंकि तेरे यहाँ पर साथी खिलाड़ी भी तेरे चौके छक्के की दुआ मांगेंगे, खास करके यहाँ पर भूमिका भी काफी दुआ मांगेंगे क्योंकि जिनके नाम से ये टीम है। देखो पिछले साल भूमिका 11 टीम हमने देखा था अंतिम क्षण तक पहुंचे थे, अच्छा खेल दिखाया था और इस साल भी जाएगी कि वो टीम आखिरी क्षणों तक मैदान में अपना क्रिकेट दिखाए। बिल्कुल देखिए गणेश सिंह के चेहरे पर परेशान, बिल्कुल जल जला रहा है उनके अंदर, कोच है बाबू शाह इस टीम के वो जरूर सोच रहे हैं। और दूसरी टीम का देखिए परशुराम गायकवाड़ साहब कोच, और दोनों कोच के अंदर देखिए सामने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मन के अंदर काफी कुछ हो रहा होगा, हलचली बच रहा होगा और व्हाइट का इजाफा और कहीं ना कहीं पर एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ, और एक्स्ट्रा की इजाफा से टोटल की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 14 रन। और देखिए 5 गेंद अब जीतने के लिए 16, बिल्कुल 6 गेंद जीतने के लिए और यहाँ पर 16 रनों की जरूरत। बिल्कुल यहाँ पर महेंद्र को एक अच्छी बल्लेबाजी करना होगा, प्रदीप चोरमेकर जिनके पास कमेंटेटर का अनुभव है, खिलाड़ी एक बतौर बल्लेबाज गेंदबाज, और देखिए कमाल के गेंदबाज जी, यहाँ पर डॉट गेंद कम खेलना होगा, महेंद्र भाई पान खा जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे, चौके लगाओ छक्के लगाओ लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दो क्योंकि ये मुकाबला जीतना है। तो बिल्कुल बाबूशा डॉट गेंद बहुत ही महंगी साबित होगी आपके लिए, क्योंकि अगर हर गेंद पे एक एक दो दो रन आएंगे तो बेहतर होगा। परशुराम गायकवाड़ बड़े खुश होंगे क्योंकि जितना डॉट गेंद निकलेगा उनकी दिल के धड़कने तेज होगा, लेकिन गणेश सिंह का दिल की धड़कने धक धक
यही तो डब्ल्यू पी एल का कमाल है प्रवीण, जो कोयला को कोहिनूर बना देता है। देख लगे कौन सी टीम यहाँ पर कोहिनूर हीरा बनकर इस मैदान से उभर के आएगी। बिल्कुल गणेश सिंह सोच रहे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन कब आएंगे, क्योंकि प्रदीप चोरमेकर बता रहे हैं भाई इस बार ऐसा मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। ओ राइट फॉर द विकेट, ये गेंद बल्ले पे लग नहीं पाई और देखिए यहाँ पर लेग बाइट्स से एक रन यहाँ पर आएंगे। थोड़ी सी कंधे में दुखापत यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप चोरमेकर के, और एक के साथ कंचन पालकर बताएंगे कि अब बच्चे चार गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। चार गेंदे 15 रन, आकृष्ण तक पहुंचाओ मुकाबला, यानी कि बहुत ही बढ़िया। अभी तक तो कोई विकेट यहाँ पर नहीं आया, दोनों बल्लेबाज में बहुत क्षमता है और अपनी क्षमता दिखानी होगी बाबूशा। बिल्कुल सही बताया, अभी गेंद और रनों के बीच में फैसला करेंगे तो यहाँ से इस ओवर का अभी भी चार गेंद से जीत के लिए 15 रनों का जरूरत है। प्रदीप चोरमेकर देखिए पूरी तरह से जाल बिछा रहे हैं, लेकिन जब तक मैदान के ऊपर प्रवीण कहते ना सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है, मैच नहीं समाप्त होता है दो तीन डॉट गेंद जाने से, क्योंकि मैदान पर खतरनाक बल्लेबाज तेजस मुकदम अभी जिंदा है। जब तक तेजस जिंदा है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एकाक चौका छक्का इस मुकाबला में दिला सकता है, वापसी एकाक डॉट गेंद बना सकता है मुश्किल है। एक तरफ है प्रदीप जिनके पास है अनुभव, दूसरी तरफ है कप्तान तेजस जिनके पास है काबिलियत। और यहां पर देखिए मैंने ही बताया कि तेजस अभी इस मुकाबला में जिंदा है, और ये निकला उनके बल्ले से देखिए डब्ल्यूपीएल छक्का छक्का और बाबूशा ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, और शायद ऐसे क्षणों में फुल टॉस गेंद को डिलीवर करना शायद बहुत ही खराब होगा, क्योंकि अब तीन गेंदे बची है और कंचन पालकर बत्रा जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। बिल्कुल तीन गेंद 9 रन, देखिए परशुराम गायकवाड़ साहब उनके चेहरे पे मायूसी छा गया पूरी तरह से, यानी अभी भी जीत के लिए 9 रनों का जरूरत है। और ये मुकाबला अगर बराबरी में जाता तो विकेट की बात करेंगे, यहाँ पर विकेट कोई नहीं खोया, इस मुकाबला को जीत सकते हैं, यानी 8 रन बनाएंगे तो जीत सकते हैं इस मुकाबला को। बिल्कुल बाबूशा कांटे प्रीमियर लीग जो मुकाबले होते हैं विकेट काउंटिंग, तो वो यहाँ पर रूल्स है। तीन गेंद और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत, क्या तेजस मुकदम फिर से एक बार अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, जो विकेट की उनके टीम को जरूरत थी, जो प्रेशर था क्या उसको लूज करेंगे। बिल्कुल ये देखिए डर पैदा प्रदीप चोर में करके गेंद एक्स्ट्रा गेंद, यानी बिन पायल से बजा घुंघरू घुंघरू घुंघरू, इस घुंघू की आवाज से बड़े खुश होंगे क्योंकि टोटल देखिए जाकर पहुंचा। यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पर अभी 8 रनों का जरूरत है, आने वाली गेंद की बात करेंगे तो बिल्कुल तीन गेंद के ऊपर तेजस मुकदम ने इस मुकाबले में जान डाल दिया, एक छक्का ने देखिए कैसा मुकाबला को बदल दिया। प्रवीण तीन गेंदे जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है, ये देख किस तरह से दबाव आया गेंदबाजों पे। ओ ट्राई टू बिग इट ऑन साइड में खेला, एक रन यहां से कंप्लीट होंगे, एक दूसरे की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही क्लोज 2 रन यहाँ पर पूरे किए गए। ये देखिए बाबूशा 3 गेंद 8 की जरूरत थी, पर आप समीकरण 2 गेंद और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। मुकाबला मैंने कहा था ये मुकाबला अगर आखिरी गेंद तक पहुंचा तो बाबूशा सबकी सांस है, यानी कि धड़कन तेज हो जाएगी। बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर देखिए गेंद और रनों के बीच में 2 गेंद 6 रन, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे वही तेजस मुकदम, लेकिन सबके दिल कड़े यहाँ पर दिल की धड़कने तेज होता हुआ, क्या यहाँ पर प्रदीप चोरमेकर यहाँ पर मुकाबला डॉट डालकर और परेशानी बना पाएंगे, क्या यहाँ पर तेजस एक चौका छक्का लगाकर इस मुकाबला को और करीब ले जाएंगे। तो आने वाला यहाँ पर 2 गेंद जीत के लिए 6 रन, जोरदार तालियां दर्शकों से गुजारिश बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए गेंद को खेला 2 फील्डर के बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर फील्डर से थोड़ा सा गलती, और ये थोड़ा गलती नहीं दोस्तों, कितनी बड़ी गलती, यानी तेजस मुकदम की गाड़ी चली पम 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 पम। धन्यवाद डीजे मास्टर, अभी 2 एक गेंद जीत के लिए यहाँ पर बात करेंगे, 2 रन अगर 1 रन भी बनाते तो इस मुकाबला को विकेट के बराबरी से जीत सकते हैं, क्या कमाल की मुकाबला यहाँ पर देखिए प्रवीण तेंबे, ये डब्ल्यूपीएल का धमाल है। और गणेश सिंह के दिल की धड़कने जो हो रही थी धक धक, यहाँ से हम करेंगे परशुराम गायकवाड़ बिल्कुल सोच पा चुके हैं, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम गेंद के ऊपर चौका छक्का लगाना आसान है, लेकिन सिंगल डबल चुराना मुश्किल है। और देखिए बाबूशा एक गेंद जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत, 1 रन बनाएंगे फिर भी चलेगा क्या।
हेलो, क्या कमाल के बल्लेबाज ये तेजस मुकादम के, और प्रवीण मैंने बताया था कि ये बल्लेबाज अभी तक जिंदा है क्योंकि इस बल्लेबाज ने भूमिका इलेवन टीम के लिए हर एक एक कदम पर लेकर आगे पहुंचा है, लेकिन क्या आखिरी गेंद के पर अंजाम दे पाएंगे, क्या जीत का झंडा यहाँ पर लहरा पाएंगे? बाबू शाह विकेट काउंटिंग पे हम मुकाबला देख सकते, अगर बराबर होगी तो, पर एक भी विकेट नहीं गया यहाँ पर भूमिका इलेवन टीम का। बिल्कुल, महिंदर का भी तारीफ करना चाहूंगा, क्या खूब साथ दिया यहाँ पर, क्या यहाँ पर मुकाबला को प्रदीप चोर में कर जिता पाएंगे, क्योंकि माइक्रोफोन के हिसाब से उनका भी बेहतर कॉमेंटेटर रहता है हमेशा, लेकिन आज उनके हाथों पर गेंद है, गेंद नहीं उनके हाथों पर, पूरी तरह से यहाँ पर बात करेंगे ओम साई इलेवन टीम का जान है। लेकिन दूसरे तरफ तेजस मुकादम जिन्होंने कल के दी आज यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर प्रवीण पाटिल के साथ में जब टॉस किया जा रहा था उन्होंने बताया था कि अपनी टीम को सुपर फोर तक पहुंचाने के लिए मैं सागर में क्या समंदर में भी उतर जाऊंगा, लेकिन अभी तक प्रवीण बात करेंगे इस बल्लेबाजों ने समंदर में उतरे हैं। तो बाबूशाह एक गेंद दो की जरूरत, टॉस पे एक की जरूरत है, तो बेहतर मुकाबला। बिल्कुल, एक गेंद जब फेंकी जाएगी तब तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, दिस इज कॉल WPL, एक बार जोरदार तालियां इस आखिरी गेंद के लिए, एक गेंद दो टॉस पर एक, हु इज द लकी टीम टू विन दिस मैच, जोरदार तालियां दर्शक। और ये देखिए कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी गलती, जबरदस्त क्रिकेट, एक बार जोरदार ताली इस मुकाबले के लिए, क्या कर दिए, कितनी बड़ी कैच छोड़े यहाँ पर, फील्डर कौन थे यहाँ पर, सचिन, क्या कर दिया आपने यहाँ पर, पूरी तरह से गणेश शेख का सांस रोक चुका था यहाँ पर, लेकिन देखे यहाँ पर एक खराब फील्डिंग दूसरे टीम को जीत दिलाया, और बिल्कुल यहाँ पर भूमिका इलेवन टीम जीत चुकी है, बिल्कुल उनके खिलाड़ियों को शुभेच्छा देती है भी, अब देख सकते हैं खुद भूमिका को बीच मैदान में, बाबूशाह ये कैश नहीं थी, ये ट्रॉफी थी। बिल्कुल, ट्रॉफी तो खेल जाने तक अभी और एक मुकाबला खेलना होगा, लेकिन आपने सही बताया, आरडी पाटिल साहब भी बड़े खुश है, और ये देखिए बल्ले बल्ले टॉच के लिए आए, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम तारीफ करना चाहेंगे इस मैच में तेजस मुकादम के, आखिरी गेंद तक अपनी सांस नहीं छोड़ी, दिस इज कॉल्ड WPL, बिल्कुल बाबूशाह आखिरी दम तक तेजस ने मुकाबला किया। ऐसे अपन तेजस मुकादम माननीय मयूर भूमिका ना मयूर, तर आपण याच आपण पाहूया वासुदेव काटे निकलस, म्हणजे घोडसे संघाचा पॅकर आपण पाहू शकाल, निकलस वासुदेव काटे यांचं सुद्धा आगमन झालेलं, आपण नाणेबुकीचा कॉल करायचा आहे यशवंत शेठ पवार साहेब, यशवंत शेठ पवार आपण यायचंय नाणेबुकीसाठी, यशवंत शेठ पवार यायचंय आपण, याच्यामध्ये जर सामना जिंकेल तर सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करेल नक्कीच, तेजस मुकादम म्हणजे आपण सांगू शकाल की 11 खेळाडू श्रीमंत संघाचे असतात, त्याच्यामध्ये दोन्ही खेळाडूंचा समावेश आहे, 11 खेळाडू मध्ये दोन्ही समावेश आहे दोन्ही संघाचे, मयूर पात्रे तेजस मुकादम घे टॉस टॉस। बिल्कुल, हमारे राजेश आदिकर शब इस मुकाबले को देख रहे हैं, देखिए कितने गजब के मुकाबला है, एक अच्छे सिंगर का, लेकिन ये आखिरी जंग होगा तेजस मुकादम के लिए, और दूसरी तरफ होंगे मयूर मात्रे, बिग फाइट मुकाबला आज की दिन की, कौन जीते टॉर्च यहाँ पर, दोनों कप्तान को रुकना चाहेंगे, मयूर तो क्या लेना चाहोगे, दो ओवर के मुकाबला है, फील्ड पहला फील्ड, यानी जिस तरह के तेजस मुकादम ने फिनिश किया, क्या आपको उम्मीद है उसी तरह की आप भी इस मुकाबला को फिनिश दे पाते हो? उम्मीद तो है, देखेंगे मैच के, अब फिर अभी जिस तरह के इन्होंने यहाँ पर 30 रनों को हासिल किया, तो आपका टारगेट क्या होगा, कितना रनों पर रुकना चाहोगे, 20 या 25, और ये WPL पर कितना मजा आ रहा है, आखिरी समय आ चुका है बहुत मजा आ रहा है, आप बिल्कुल तेजस मुकादम आपके जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम, लाजवाब कप्तान है कि यौंग कप्तान, जब MS की धोनी के कप्तानी में 2007 पर जब दौरा किया गया था इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका के सरजमी पर, तभी MS ने वहां से T20 वर्ल्ड कप लेकर आए थे, क्या आपकी कप्तानी में आपको लगता है कि यहां से आपकी टीम को आप सुपर फोर तक पहुंचा सकते हो, अभी तक ने आप अंजाम सही दिया है, क्या ये आपके लिए आखिरी यानी आखिरी मकाम आखिरी मंजिल है? ठीक है, हमारा टीम जाएगा ही टॉप ओवर में, क्योंकि मुझे यकीन है सब।